दिस इज एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्लास 7। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। दिस टेबल वी हैव टू कंप्लीट फर्स्ट। द इक्वेशन इज गिवन एंड देन वी हैव टू पुट वैल्यू हेयर। एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल -3। मीन्स ये जो वैल्यूज दी हुई है हम इनको पुट करेंगे वन बाई वन, और उसके बाद अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है देन वी विल राइट येस, अगर नहीं हो पाती है देन वी विल राइट नो। हेयर यू कैन सी दिस टेबल कंसिस्ट 11 11 इक्वेशंस एंड वी हैव टू पुट द गिवन वैल्यूज एंड देन वी हैव टू सी इज इट येस और नो। नाउ हेयर यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टेबल। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ नो। इन सेकेंड पार्ट यू कैन सी इफ वी पुट एक्स इक्वल 0, सो 0 प्लस 3 इट इज़ 3, इट इज़ नॉट 0, सो दैट्स वाई इट इज़ अगेन नो। इन थर्ड पार्ट यू कैन सी इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू -3 देन इट विल -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई इट इज़ येस। नाउ इन फोर्थ पार्ट एक्स -7 इक्वल 1, हेयर यू विल पुट 7, दैट्स वाई 7 माइनस 7 होता है 0, 1 नहीं होता है, दैट्स वाई वी विल राइट हेयर नो। फिफ्थ पार्ट में एक्स इक्वल 8 लिखेंगे तो 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, और हमें 1 ही RHS भी है, हमारा राइट हैंड साइड है, दैट्स वाई वी विल राइट येस, इट इज़ द आंसर। सिक्स पार्ट 5x इक्वल 25, एक्स की जगह रखेंगे 5, सो एक्स की जगह यहाँ पर रखना है 6 में 0, सो 5 × 0 होता है 0, 25 नहीं होता, दैट्स वाई नो। इन सेवेंथ पार्ट वी विल पुट एक्स इक्वल्स टू 5, सो 5 × 5 = 25, इसलिए हो जाएगा ये यस। सेवेंथ एट्थ पार्ट हेयर वी विल पुट एक्स इक्वल्स टू -5, तो ये -5 पुट करेंगे तो 5 × -5 - 25 हो जाएगा, जो कि 25 के इक्वल नहीं होगा, तो नो लिखेंगे। एम अपॉन 3 में एम की वैल्यू -6 लगाएंगे तो -2 हो जाएगा, जो कि नो होगा। एम की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 / 3 इज इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट 2। अगर हम 6 लगाते हैं देन इट विल बी येस। सो हेयर यू के यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड देन राइट येस और नो इन द टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू पुट द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट एंड देन यू हैव टू राइट इज इट सॉल्यूशन और नॉट। एन प्लस 5 इज इक्वल टू 19, यहाँ पे एन की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो जब हम एन प्लस 5 में 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 = 6 होता है, जो कि 19 के बराबर नहीं है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 19, सो हेयर वी विल राइट नो, एम एन इक्वल 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट 7m + 5 इज इक्वल टू 19, यहाँ पे एन की जगह हमें -2 लेना है, तो 7 × -2 - 14 + 5 इट इज़ -9, सो हेयर इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन एज इट इज़ नॉट इक्वल। सी पार्ट में हमें एन इक्वल 2 रखना है, वैन बी पुट एन इज इक्वल टू 2, एन इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 14 + 5 होता है 19, अब 19 ही RHS भी है, दैट्स वाई 19 इज इक्वल टू 19, सो हेयर वी विल राइट येस, एन इज इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन डी पार्ट यू हैव टू पुट पी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पी जो है 4p है, तो 4 × 1 = 4 हो गया, 4 - 3 = 1, लाना था हमें 13, आया 1, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन ई पार्ट यू हैव टू पुट पी इज इक्वल टू -4, पी की जगह -4 पुट करेंगे, सो 4 × -4 - 3, सो -16 - 3 इज इक्वल टू -19। नाउ हेयर सी दैट ई पार्ट इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। एफ पार्ट 4p - 3 इज इक्वल टू 13, यहाँ पे पी इक्वल्स टू 0 लेना है हमें, सो 4p - 3, सो 4 × 0, 0 - 3 - 3 इज इन नॉट इक्वल्स टू 13, तो 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ इन थर्ड पार्ट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एरर मेथड क्या होता है, इसमें हम 1 by 1 वैल्यू पुट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 देन 1 देन 2 देन 3, तो जो भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी दैट इज़ कॉल्ड द इक्वेशन सॉल्यूशन। तो पहले हमने 5p + 2 में लिखा 0, p इज इक्वल टू 0, देन आंसर इज 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 17, देन वी विल पुट लेट p इज इक्वल टू 1, जब हमने 1 पुट किया सो 5 × 1 + 2, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, नाउ इट इज़ अगेन नॉट इक्वल्स टू 17, सो p इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। Then p equals to 2, we have put 5 × 2 + 2, 10 + 2 is equal to 12,
here by comparing LHS not equals to RHS, because 12 is not equals to 17. Then we have put P is equal to 3. So 5 into 3 plus 2, 15 plus 2 is equal to 17. Now here you can see 17 is equal to 17, means P is equal to 3 is the solution of the equation. In second part you can see 3m minus 14, इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे हमने वैल्यू 3 से स्टार्ट की है, 3 पुट किया पहले, 3 इज़ अ 9, 9 माइनस 14, देन वी हैव पुट 4, देन वी गॉट माइनस 2, देन वी हैव पुट 5, देन वी गेट 1, देन वी पुट 6, देन वी गेट 4. नाउ यू हैव टू सी, 3 पुट किया नहीं आया, 4 देन नहीं, 5 नो, 6 यस. हमने 6 पुट किया है, देन इट इज़ 4 एंड द राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो 4. नाउ दिस वैल्यू इज सेटिस्फाइंग, सो दैट्स वाई वी विल राइट.